वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा। आज हम आपको एक नई वीडियो की तरफ ले जाते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से क्रोम कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से मिरर कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन चूंकि आजकल बहुत सारे स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पैनल, स्मार्ट टीवी आ चुकी है स्कूलों में, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कास्टिंग करने में। तो चलिए आज आप कास्टिंग के विषय में ही बात करते हैं। फ़ोन को एक बार नीचे रखते हैं ताकि आपको बात समझ में आए, और मेरा फ़ोन लेकर आता हूँ मैं, फिर हम कास्टिंग करेंगे। देखिए, इसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो आपका फोन जो है वो मतलब वाईफाई, उसी वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए जिससे आपका स्मार्ट बोर्ड जो कि बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं 65 इंच के, वो, या फिर आपका टीवी जो एंड्रॉयड टीवी है वो स्मार्ट जिस वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्ट है उसी से कनेक्ट होना चाहिए। पहली बात तो यही है, ठीक है। दूसरी बात, आपके वाईफाई टीवी का वाईफाई फंक्शन भी ऑन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर वाईफाई फंक्शन ऑन ही है, दोनों में कनेक्ट कर रखा है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज रिमोट एंड वी कनेक्ट दिस, एंड अब इसमें भी मैंने ATL एक्वस डाल रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बात समझने में। टीवी पर क्लिक करते हैं, ये हमारी सेटिंग्स है। जो मैं इसमें सेटिंग बताऊंगा सब में काम करेगी। ये देखिए, यहाँ पर सेटिंग खुल चुकी है, जनरल सेटिंग, नेटवर्क इंटरनेट, SK म्यूजिक, हमारा SK म्यूजिक कनेक्ट है। चलिए यहाँ पर से हम बैक कर लेते हैं एक बार, इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ रखते हैं इस बोर्ड को, ठीक है। टीवी अभी जब हम कनेक्ट करेंगे तब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा स्मार्ट, ये हमारा वन प्लस का फोन है, OnePlus 8T, थोड़ा आवाज तेज करते हैं इसकी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है वाईफाई में। इसमें भी SK म्यूजिक ही कनेक्ट है, तो दोनों में एक ही नेट कनेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब कंप्यूटर टीवी या पैनल में कोई भी सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा नॉर्मल जाना है अपने फोन की। यहाँ पर ओपन सेटिंग पर जाएंगे, ये देखिए सेटिंग पर आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग, ये आपके फोन में आप स्वाइप करके, अगर सैमसंग के फोन है तो स्मार्ट व्यू को ओपन कर सकते हैं। स्क्रीन कास्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ऊपर एक स्क्रीन कास्ट, Search for display devices. Cast your phone screen to a TV or other display device. ठीक है, टीवी या फोन को कास्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, बस सिंपल। अभी सर्चिंग हो रहा है। Show your detected icon question. यहाँ पर एक एंड्रॉइड टीवी लिखा है, आपका जो भी बोर्ड का नाम, मैंने इसका नाम वाम चेंज नहीं किया इसलिए ये लिखा रहा है, आपका कोई भी बोर्ड होगा उस पर नाम आ जाएगा उसका। अब देखिएगा एंड्रॉइड टीवी पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग, और यहाँ पर दिस फंक्शन विल स्टार्ट नाउ सेलेक्ट डिवाइस, ये देखिए एंड्रॉइड, ये देखिए हमारा टीवी जो है उस पर कनेक्ट हो चुका है। बट कनेक्शन एंड शेयरिंग, आपको आवाज सुनने लगी होगी। सेटिंग्स, और अब मैं कनेक्शन एंड शेयरिंग, कास्टिंग स्क्रीन टू एंड्रॉइड टीवी हैज एंडेड। देखिए अब क्या हो गया कि हमने इस जैसे ही बटन दबाया बैक का, तो ये वापस एंड हो गया, वापस से कास्ट करेंगे। कनेक्शन एंड शेयरिंग, और स्क्रीन कास्ट नेविगेटर, स्क्रीन कास्ट, सर्च फॉर दिस, हेल्प, सर्च Search for display devices. Make sure your phone detected icon quest and start recording or casting. Start now, but select device. Chrome cast built in. ठीक है, अब देखते हैं. Detected icon question. Casting screen connecting to Android TV. Screen cast. Search for display devices. Cast your phone screen to a TV or other display device. ठीक है, अब हम back but connection and sharing. सारे फोन के फंक्शन इसमें काम करेंगे। हम आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ, अब देखिएगा। अब ये मेरा फोन है, यहाँ पर आपको मेरा फोन दिख रहा है और वहां पर वो टीवी में सारे फंक्शन दिखाई देंगे। देखिएगा,
या फिर आप चाहें तो इसको स्क्रीन भी ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन ऑन कर लेते हैं और आप देखिएगा सारी सेटिंग काम कर रही है। अब मैं चाहूँ तो इसमें यूट्यूब या कुछ भी चला सकता हूँ। बैक करेंगे, देखिए फोन की पूरी स्क्रीन आपको हमारे टेलीविजन के अंदर दिखाई दे रही है और ऐसी ही स्क्रीन आपके बोर्ड में भी दिखाई देगी। जैसे मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ और यूट्यूब चलाते हैं जीमेल। एक और भी तरीका है आपके खाली यूट्यूब के वीडियोस को कास्ट करने का, YouTube खोलते हैं, मैंने YouTube खोला YouTube, और हमारा YouTube खुद Premium, का image, चैनल चलाएंगे। Update now. Back. इसको बाद में देखेंगे। YouTube Premium Image Account Close. कोई भी हमारा वीडियो चला लेते हैं। Your channel. Manage your Google. Your channel. Tech your channel खोलेंगे। हम इसको बड़ा कर लेते थोड़ा। Button. ये लैंडस्केप मोड पे आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये देखिएगा। Selected account Techno with friends 3109. क्लिक करेंगे new account, ये हमारा अकाउंट खुल गया। YouTube close button, क्लोज कर देते हैं new account, ये देखिएगा, ठीक है ना। अब आप इसे कास्ट करके आराम से कुछ भी अपना चला सकते हो। जैसे कोई भी मुझे वीडियो चलाना है तो मैं यहाँ पर अकाउंट पे क्लिक किया मैंने close, और ये button, तो वीडियो चला के दिखा देते हैं आपको। नेविगेट अप बटन टेक्नो विद फ्रेंड्स, ठीक है। सेलेक्टेड, जैसे ये वीडियो चलाते हैं, ओके। YouTube वीडियो मैंने प्ले कर दिया, ठीक है ना। ये वीडियो मैंने प्ले कर दिया, देख सकते हैं आप, आपको वीडियो दिख रहा होगा हमारे टीवी पर। और एक मिनट थोड़ा और कुछ सेटिंग करते हैं इसकी। नोटिफिकेशन शेड Off torch switch on auto rotate screen off on back YouTube 18 minutes 19 seconds of 25 minutes video player 18 minutes 20 video player double tap enter full landscape exit full screen button ये देखिए लैंडस्केप में हो गया आप स्क्रीन, आपको पूरा दिख रहा होगा टीवी। तो इस तरह से आप टीवी में कास्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक उसका बनाया था वीडियो डीजे कंट्रोलर का, आप देख सकते हैं आराम से दिख रहा है। लेकिन अब हम एक चीज़ और करते हैं, ये तो हमने कास्टिंग देखा, अब इस कास्टिंग को हटाते हैं और क्रोम कास्ट को इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको। क्रोम कास्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर रखते हैं इसको और सबसे पहले Techno with back YouTube Premium home system launcher YouTube has one notification करेंगे। मैंने डिस्प्ले हटा दिया यहाँ से, अब हम क्रोम कास्ट करेंगे। जैसे YouTube को खोलेंगे, YouTube खाली YouTube ही खोला हमें, YouTube खोला मैंने कास्ट, यहाँ पर भी एक कास्ट का ऑप्शन मिल गया, इस पर डबल टैप करते हैं। Android TV कास्ट टू Android TV, देखिए सीधा आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमारा वाईफाई दोनों एक से ही कनेक्ट है। अगर आपके स्कूल और घर का वाईफाई आपके स्कूल की टीवी या घर की टीवी से एक साथ कनेक्ट है तभी आप इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Android TV पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कनेक्ट होता है। ये देखिए ये YouTube इस पर खुल गया हमारे Android इस पे अपने जो है ये देखिए इस पर खुल रहा है YouTube। अभी ये YouTube खुल गया है, देख सकते हैं आप, इस तरह का दिख रहा है YouTube। अब कनेक्टेड टू Android TV, आप इस पर कुछ भी चला सकते हैं अपना, ठीक है ना। अब इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए अब इसके रिमोट से मैं काम ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो आराम से कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी वीडियो चला सकते हो। अपन वीडियो कोई चलाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट लग जाएगी अपन, ठीक है ना। देखिए वीडियो चल रहा है ना, तो कोई भी वीडियो आप चला सकते हो कास्ट करके आराम से, जैसा भी जो भी वीडियो चलाना चाहो। ये देखिए कुछ भी चला सकते हो, कोई भी गाना चलाना चाहो। अब जब फोन की स्क्रीन ऑफ हो गई है, फोन से कोई मतलब नहीं, अब मैं इससे अपना वीडियो कोई भी प्ले कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्रोम कास्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये है तरीका फीचर क्रोम कास्ट का। मैं आपको फिर से एक सिंपल फीचर बताता हूँ, एक और तरीका इसको कास्ट करने का आपको। एक मिनट,
इसको हटा देते हैं, चलिए हट गया। तो अब देखिए क्या है, आपको फिर से बता देता हूँ, आपको वाईफाई कनेक्ट करना है फोन, आपके फोन से और आपके टीवी स्मार्ट पैनल जो भी आपके पास है, स्मार्ट बोर्ड जो भी है, कनेक्ट करने के बाद आपको सेम वाईफाई होना चाहिए दोनों में। अगर आपका दोनों का सेम वाईफाई कनेक्ट है तो आपका टीवी का नाम 100% उस पर दिखाई देगा। और कनेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन कास्ट में जाना है, अपने फ़ोन की या स्मार्ट व्यू जो भी है उसमें जाना है, वहाँ पर सर्च डिस्प्ले डिवाइसेस, वहाँ पर सर्च करोगे तो आपके टीवी का नाम आएगा, अगर सेम वाईफाई कनेक्ट कर रखी है तो। बस आने के बाद आप सीधा इसे क्लिक कीजिए, बस विद इन सेकेंड्स वो टीवी पे कनेक्ट हो जाएगा। ये सेम फंक्शन सभी टीवीज में काम करेगा जो एंड्रॉयड होंगे। अब विंडोज़ के लिए मैंने कास्टिंग का एक वीडियो पूरा बना रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। विंडोज़ पर तो आसान है क्योंकि कुछ अभी स्मार्ट बोर्ड जो समसा ने दिए हैं उनके अंदर क्या है कि आपका जो है वो टीवी जो है वो विंडोज़ पर भी चलता है। तो विंडोज़ में तो कनेक्ट फीचर आपको डाउनलोड करना है, सिंपली कनेक्ट डाउनलोड करके और बस उसे ओपन कर लेना। वाईफाई सेम ही होना चाहिए दोनों के अंदर, दोनों सेम कनेक्शन होना चाहिए आपके लैपटॉप का और उस टीवी का, उसको कनेक्ट करके आप ऐसा यूज कर। लेकिन उसका एक और तरीका बता देता हूँ, एक आप HDMI से भी उस टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक HDMI की केबल दिखाई थी, वो केबल देखता हूँ मेरे पास अभी कहीं पड़ी है तो, मिलनी मुश्किल है, इतनी जल्दी मिलना नहीं, मुझे नहीं लगता मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपको दिखाई है, लेकिन आप वो वीडियो ढूंढोगे उससे अच्छा तो मैं आपको यहीं देख कर वो केबल ढूंढ लेता हूँ, कहीं मिल जाए तो। मुझे मिलनी मुश्किल है वो, क्योंकि काफ़ी समय हो गया उसको मेरे को यूज़ किए को, फिर मैं ढूंढता हूँ, थोड़ा वेट करें आप। ये किस्मत बहुत अच्छी है मेरी, देखिए इस तरह की केबल आती है मार्केट में, आप देख सकते हैं इसके पीछे एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये देखिएगा इस तरह की केबल है, यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है इसमें और इधर सी टाइप पोर्ट लगा हुआ है। अब आप इसको अपने सी टाइप मोबाइल से कनेक्ट करके और यहाँ पर HDMI पोर्ट में वो जो स्मार्ट पैनल है या आपका जो टीवी है उसका HDMI का केबल लगा दीजिए, आपके टीवी में आपका मोबाइल दिखाई देने लगेगा। ये एक सिंपल जुगाड़ू प्रोसेस है, इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा वो भी। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर आपको कोई कास्टिंग वास्टिंग की जरूरत नहीं, सीधा आप केबल लगाया, क्योंकि HDMI केबल तो सभी स्कूलों में दी गई है, तो उस HDMI केबल से सीधा कनेक्ट कर ले। अगर कास्टिंग फीचर बाय द वे काम नहीं कर रहा हो, वैसे काम करेगा 101%, ये थीम बिल्कुल 101% काम करेगी, मैंने स्कूल में सब कुछ करके देखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये है, तो आशा आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया। ये कास्टिंग पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग थी कि क्रोम कास्ट कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।